भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कोरोना काल के समय में कांग्रेसी नेता राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस आवश्यक संकट के समय में सभी राजनेताओं को मतभेद भुलाकर एकजुट होकर इस महामारी से लड़ना चाहिए था, लेकिन दुख की बात है कि हमारे प्रदेश के कांग्रेस के नेता ऐसा करने पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लगे हुए हैं और विरोध जताते आ रहे हैं और अनेकों बयानबाजी करते आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि जयराम सरकार ने हिमाचल प्रदेश में शुरू से ही सार्थक प्रयास किए हैं और अनेक प्रकार की एहतियात बरतते हुए काम किया है। उन्होंने बताया कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बताया है कि हमें कोरोना के साथ ही जीना है, तो हमें सारे काम भी करने हैं और सावधानी पूर्वक काम करने हैं तथा सामाजिक दूरी भी बनाए रखनी है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस बेवजह बयानबाजी करती रहती है। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर सवाल निशान लगाते हुए कहा कि कांग्रेसी खुद ऐसे कार्यक्रम कर रही है जिसे ना तो उनके कार्यकर्ता मास्क लगा रहे हैं और ना ही सामाजिक दूरी बना रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री के घर पर लंच का कार्यक्रम होता है जिससे प्रदेश के कांग्रेस के कुछ नेता आते हैं और उन्होंने भी कोई सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया नहीं, सामाजिक दूरी भी नहीं अपनाई और वो प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं जिसमें अनेक 100 से 200 कार्यकर्ता आते हैं और खुद ही नियमों का उल्लंघन करते रहते हैं। उन्होंने कांग्रेस पर वार करते हुए कहा कि जब कांग्रेस के नेता ही नियमों का पालन नहीं करेंगे तो आम जनता कैसे करेगी। उन्होंने बताया कि जिस तरह प्रदेश व केंद्र सरकार काम कर रही है उससे कांग्रेस के नेता बौखला गए हैं और अपना जनाधार खत्म होते देख ये निराधार आरोप लगाने में लगे हैं, इनका कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने जनता से अपील की है कि वह विपक्ष के हताश निराश नेता के बहकावे में न आए, वे सभी नियमों का पालन करते हुए काम करते रहें ताकि कोरोना महामारी से हम एक दिन जीत सकें। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने। हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस पार्टी के नेता इस कोरोना महामारी के संकट के दौर में शुरू से ही राजनीति कर रहे हैं। आवश्यकता थी कि इस संकट के दौर में सभी लोग, सभी नेता अपने राजनीतिक मनभेद भुलाकर एकजुट होकर इसके खिलाफ लड़ाई लड़ते, परंतु दुख की बात है कि हमारे प्रदेश के कांग्रेसी नेताओं ने ऐसा करने की बजाय इस मामले में अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रयास किया और उसके लिए भी कोई कंक्रीट सुझाव देने की बजाय हमेशा विरोधाभासी बयानबाजी की। शुरू में लॉकडाउन का समर्थन किया, फिर लॉकडाउन का विरोध किया, अपने आप कहा बाहर से लोगों को ले आओ, जब बाहर से लोग आए उनमें से पॉजिटिव ने तो कहा कि वो बाहर के लोगों को क्यों लेकर आए। तो कुल मिलाकर खुद ही कांग्रेस पार्टी की नीति इस विषय पर स्पष्ट नहीं है। जहाँ तक हमारी सरकार की बात है, हमारी हिमाचल प्रदेश की सरकार ने शुरू से एक सार्थक प्रयास किए हैं कि इस कोरोना महामारी के जंग से लड़ाई लड़ी जा सके। लॉकडाउन भी लगाया, कर्फ्यू भी लगाया और इससे पहले ही शिक्षण संस्थान भी बंद किए, मेलों पर प्रतिबंध लगाया, सार्वजनिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाया और अनेक तरह की हिदायतें देकर लॉकडाउन और कर्फ्यू को स्ट्रिक्टली लागू किया और हिमाचल प्रदेश में कोरोना महामारी से जनता को बचाने के पूरे प्रयास किए। परंतु जैसे हिमाचल प्रदेश से बाहर जो लोग रह रहे थे उनको लाना भी हमारा कर्तव्य था, सरकार ने अपने उस दायित्व का निर्वहन करते हुए बाहर से लोगों को लाने का काम किया और उसमें से कुछ लोग जरूर पॉजिटिव आए हैं और धीरे धीरे उनके कारण कुछ और हमारे जो यहाँ स्थानीय लोग हैं वो भी अब पॉजिटिव आने शुरू हुए हैं। परंतु मेरा इस मामले में कहना ये है कि कांग्रेसी नेताओं इसके लिए सरकार पर दोषारोपण करना या सरकार को जिम्मेवार ठहराने की बजाय जनता को जागरूक करने की आवश्यकता। कांग्रेस पार्टी के नेता जो आज होना चाहिए उसके अनुसार काम कर नहीं रहे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था, हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था, कोरोना महामारी के कारण हम लगातार लॉकडाउन, लगातार कर्फ्यू लगा नहीं सकते, विकास भी होना है, लोगों ने रोजी रोटी भी कमानी है और इसलिए एक सीमित समय तक लॉकडाउन लगाया गया, स्ट्रिक्टली इसको लागू किया गया, जिसके कारण इस देश में कोरोना की जो रफ्तार है उस रफ्तार में 60% की कमी आई। उस दौरान सरकारों ने कोरोना से लड़ने की तैयारी की, पीपी किट्स का निर्माण हुआ,
मास्क का निर्माण हुआ, वेंटिलेटर लगाए गए, कोविड स्पेशल हॉस्पिटल बनाए गए। इसलिए ये सब होने के बाद लॉकडाउन में ढील दी गई, धीरे धीरे लॉकडाउन हटाया गया। और ये प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें कोरोना के साथ जीना है, हमें सब काम भी करना है और सावधानियां भी बरतनी है, मास्क भी लगाना है, शारीरिक दूरी 2 गज की बनाकर रखनी है और काम भी करने हैं। परंतु दुख की बात है कि कांग्रेस पार्टी के नेता खुद ऐसे कार्यक्रम कर रहे हैं जिनमें ना तो उनके कार्यकर्ता मास्क लगाते हैं, ना उनके कार्यक्रमों में सामाजिक दूरी का ध्यान रखा जाता है। यहाँ तक कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी के घर पर लंच होता है जिसमें कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के गिने चुने नेता आते हैं, और वो नेताओं की फोटो भी सोशल मीडिया पे आप लोगों ने देखी, कहीं कोई सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन नहीं करता है। वो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं, 100-150-200 की भीड़ लेकर सेक्रेटरीट आते हैं, कोई वहां पर सामाजिक शारीरिक दूरी के नियम का पालन नहीं होता, मास्क कोई नहीं लगा के रखता। अभी विधानसभा क्षेत्र में प्रदर्शन कर रहे हैं महंगाई के खिलाफ, तो उसमें भी कोई सामाजिक दूरी। तो जब हमारी कांग्रेस पार्टी के नेता ही अपने कार्यकर्ताओं को जागरूक नहीं करेंगे तो जनता कैसे जागरूक। इसलिए हमारा कहना है हमेशा दूसरों पर दोष लगाने की बजाय पहले अपने गिरे बांध ले जाए। कांग्रेसी नेता देखें उनका क्या फर्ज है, क्या उनका इतना भी फर्ज नहीं है कि वो इस संकट के दौर में जनता को जागरूक करें, अपने कार्यकर्ताओं को जागरूक करें। इसकी बजाय सरकार पर ही दोषारोपण करते रहना, ये कहीं सही नहीं ठहराया जा सकता। सरकार जनता द्वारा चुनी है, किसी विषय पर अगर वो जनता की राय ले रही है तो कहाँ गलत कर रही है। और दूसरा मेरा कहना है कि कई फैसले प्रदेश हित में लेने पड़ते हैं, कहीं ना कहीं उससे जनता को थोड़ी दिक्कत परेशानी होती है, परंतु मैंने देखा प्रदेश की जनता साथ, परंतु परेशानी हमारे विपक्ष के कुछ मुट्ठी भर लोगों को हो रही है। क्यों? क्योंकि उनका राजनीतिक आधार खत्म हो रहा है। इस कोरोना के संकट में जिस तरह से केंद्र सरकार और प्रदेश सरकारों ने काम किया है, केसेस चाहे बड़े हों परंतु रिकवरी रेट बड़ा है, डेथ रेट 3% दुनिया के सभी देशों से हिंदुस्तान का कम है। यही नहीं, इस लॉकडाउन के दौरान गरीब आदमी को राहत देने में मोदी सरकार और जयराम सरकार ने अनेक योजनाएं, उसके कारण इन कांग्रेसियों को लगता है उनका जनाधार खत्म हो रहा है। लोग मोदी जी के साथ पहले से ज्यादा संख्या में जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ और आकर्षित हो रहे हैं। इसलिए अपना जनाधार खिसकता देखकर ये निराधार आरोप लगा रहे हैं, इनका कोई औचित्य नहीं है। हमारी सरकारें इस बीमारी से, इस महामारी से लोगों को बचाने के लिए सार्थक कदम उठा रही है। मेरी अपील है जनता से, वो इन विपक्ष के हताश निराश नेताओं के बहकावे में ना आए, अपना काम भी करें और कोरोना के महामारी के कारण जो सावधानियां रखनी है, मास्क लगा के रखना है, सामाजिक दूरी बनाकर रखनी है, बार बार हाथ धोने या सैनिटाइज करने, इन नियमों का पालन करें, हम निश्चित रूप से कोरोना महामारी के खिलाफ इस जंग को जीतेंगे।